जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी माधुरी कुलदीप पटेल को हासिल हुई है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, विधायक रामपुर सुश्री मोना जी, उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस चुनाव का कुशल संचालन करने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप जी और बाबागंज से विधानसभा के सदस्य विनोद सरोज की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरी भाग दौड़, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जनसंपर्क, सदस्यों से मिलना, उनको अपने पक्ष में करना, यह आप लोग के ही मेहनत का परिणाम है। और इसके साथ ही साथ जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके जो समर्थक जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप जनसत्ता दल के प्रत्याशी को अपना मतदान करें, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सामान्य तौर पर प्रेस वार्ता में पत्रकार प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देना पड़ता है राजनेता को, लेकिन इस क्रम को तोड़ते हुए थोड़ा हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहेंगे कि जनता से जो चुनाव हुआ, यानी कि सदस्य का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? आप कहेंगे 7। इससे सभी लोग सहमत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 57 में से 7 सीटों पर जीत मिली। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। आप लोग समय समय पर लिखते भी रहे किसका कलड़ा भारी है, रुझान किसकी तरफ है, और जिले में आम नागरिक इस बात से अवगत है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, हिंसा की एक भी वारदात नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह का नंगा नाच हमारे जिले में सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने किया है, वो वाकई हमारे जिले के लिए बड़े शर्म की बात है। और हम ये कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिला प्रशासन का, जिन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान चेकिंग होना एक आम बात है। हम लोग आज कुंडा से आए, हम लोगों की भी गाड़ियां रोकी गई, हम लोगों की भी गाड़ियां चेक हुई, धारा 144 लगा है, ये सबको पता है। असलहा लेके कौन आ रहा था और क्यों आ रहा था? गाड़ियां तो हमारी भी चेक हुई, हमारी गाड़ी में तो कोई असलहे मिले नहीं। जिनकी गाड़ी पे असलहे थे उनसे ये कहा गया प्रशासन द्वारा कि आप अपने असलहे वापस भेजिए, जिला मुख्यालय में असलहा लेके मत आइए। इसमें पूरा मानने की कौन सी बात है? और बड़ी मेहनत से आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया और उस पार्टी को गर्त में ढकेलने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक पत्र आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा, इसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर, सबकी सहमति से ये पत्र गया है। और ये पत्र नहीं है, ये झूठ का एक पुलिंदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित इस पत्र में जितनी भी चीजें लिखी गई वो पूरी तरह के सच्चाई से परे झूठी है, मनगढ़ंत है। और अपने हार को छिपाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा गया। आज जिस तरह से उपद्रवियों ने जिले की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, जो पुलिसकर्मी वहां पे शांति व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे उनसे धक्का मुक्की हुई,
ये सब आप लोगों के आंखों के सामने पड़ा। प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जो सीट है वो अनारक्षित महिला है। अनारक्षित महिला में हमने अपने परिवार के किसी को नहीं लड़ाया। हमारी भी माता जी है, हमारी भी पत्नी है, हमारी भी पुत्री है। अपने परिवार के किसी सदस्य को हम भी लड़ा सकते थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की एक सुशिक्षित समर्थक माधुरी पटेल को यहाँ पर जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी बनाया जब सत्ता दल ने, और सभी सदस्यों ने एक तरफा मतदान करके उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया। और इसके पहले भी जब उमा शंकर यादव अध्यक्ष थे वह भी मैं चाहता तो अपने परिवार के किसी को लड़ा सकता, लेकिन हमारे लिए परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारी पुत्री। भाई भतीजावाद में जनसत्ता दल का कोई विश्वास नहीं। ये जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, मुझे आशा है कि इतने वरिष्ठ नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र इसमें वो गंभीरता से जांच कराएंगे और सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। और सच्चाई आनी भी चाहिए। आप लोगों के सामने तो है, आपके माध्यम से जिले के सामने आएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए। कितने संयम से, कितने धैर्य से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। कहीं कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई, हिंसा तो जाने दीजिए, कहीं कोई कहासुनी तक नहीं हुई। सक्षम होते हुए भी और सर्वाधिक जन समर्थन के बावजूद बड़े धैर्य से हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। ये पर पुनः सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का, आदरणीय प्रमोद जी का और दलीय भावना से ऊपर उठकर के कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, शुभकामनाएं दी है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रतापगढ़ के अपने सभी मीडिया की कंपनियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। और एकमात्र आशा यही है कि आपके माध्यम से सच्चाई हमारे जनपद के सामने आए, यही एक इच्छा है। बहुत बहुत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।